डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्यूएल ड्यूएल। ओके, ड्यूएल कैसे होगा? इट इज यूज्ड इन डिजिटल। ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन डिजिटल टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक, एक है पॉजिटिव एंड दूसरा है नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है कि जो लॉजिक जीरो होता है आपका, ओके दिस इज इक्वल टू जीरो वोल्ट, और जो आपका लॉजिक वन होता है दिस इज इक्वल टू प्लस फाइव वोल्ट। नेगेटिव लॉजिक में उल्टा होता है। नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है कि जो लॉजिक जीरो होता है वो प्लस फाइव वोल्ट होता है और जो लॉजिक वन होता है वो जीरो वोल्ट। ठीक है, नाउ ड्यूअल एक्सप्रेशन इज यूज टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा। यही सब ये करता है, उल्टा पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा ऑल्सो क्या होता है कि लॉजिक जीरो इज इक्वल टू जीरो वोल्ट एंड लॉजिक वन इज इक्वल टू, देखिए नेगेटिव लॉजिक में एक और चीज होती है, जैसे वेदर द लॉजिक इज पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल। लॉजिक वन का मतलब होता है हायर पोटेंशियल और लॉजिक जीरो का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर लॉजिक जीरो जीरो वोल्ट है एंड लॉजिक वन माइनस फाइव वोल्ट है तो इसको हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव लॉजिक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द केसेस। ओके, नाउ फॉर ECL फैमिली, आपने जैसे पढ़ा होगा एमिटर कपल लॉजिक, ECL फैमिली में क्या होता है कि जो आपका लॉजिक जीरो होता है इसे माइनस 1.7 वोल्ट बोलते हैं और जो लॉजिक वन होता है ये माइनस 0.8 वोल्ट होता है। दिस इज नोन एज, क्योंकि लॉजिक जीरो माइनस 1.7 वोल्ट है और लॉजिक वन माइनस 0.8 वोल्ट है तो ये आपका पॉजिटिव लॉजिक है। ठीक है, नाउ इन राइटिंग ड्यूअल एक्सप्रेशन बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। ड्यूअल एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, फॉर ड्यूअल एक्सप्रेशन बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड आर कॉम्प्लीमेंटेड आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंटेड, दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, अब जैसे आपके पास मान लीजिए ए इनपुट बी इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही है आपके लॉजिक स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉजिक जीरो क्या है, लॉजिक जीरो है जीरो वोल्ट एंड लॉजिक वन है फाइव वोल्ट। तो जहाँ फाइव वन है वो इसका मतलब फाइव वोल्ट है, जहाँ जीरो है इसका मतलब वो जीरो वोल्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, हमें इसका ड्यूअल फॉर्म चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है 0 0 0 1, ठीक है, अब हमें इसका ड्यूअल फॉर्म चाहिए। तो इसका ड्यूअल फॉर्म कैसे निकलेगा, ड्यूअल फॉर्म में आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए 1 1 1 0, और यहाँ पे ये 0 था ये 0 वोल्ट था तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1, यहाँ पे 0 1 था तो यहाँ पे 1 0, यहाँ 1 0 था तो यहाँ पे 0 1, यहाँ 1 1 था तो यहाँ 0 0। अब ये 1 क्या हो गया, इधर 0 वोल्ट है और ये इधर 5 वोल्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे अब क्या है कि लॉजिक 0 5 वोल्ट हो गया, ठीक है, और जो लॉजिक 1 है वो 0 वोल्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि व्हाट इट इज, ये है आपका पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट और ये है आपका नेगेटिव लॉजिक और गेट, जिसमें नेगेटिव लॉजिक में लॉजिक 0 5 वोल्ट, लॉजिक 1 0 वोल्ट। ठीक है, अब आप देखिए प्रोसीजर टू राइट ड्यूएल। ओके, प्रोसीजर टू राइट ड्यूएल, अगर आपको ड्यूएल लिखना है तो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे एंड को आपने लिखा और, डॉट को लिखा आपने प्लस में चेंज कर दिया। ठीक है, डॉट को प्लस में चेंज कर दिया, सेकंड स्टेप क्या है, जीरो को आपने वन में चेंज कर दिया एंड थर्ड पॉइंट क्या है आपका, कीप वेरिएबल्स एज इट इज। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है आपका
y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। तो हमें निकालना है ड्यूएल, ड्यूएल ऑफ y इज, देखिए y का ड्यूएल निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू वॉट आपका, मैंने आपको क्या बताया, डॉट को प्लस, ये डॉट है ना एक तरह से, डॉट को प्लस में चेंज करना है, तो यहाँ सब में प्लस आ जाएगा, एंड जीरो को वन में चेंज करना है, तो यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो ये डॉट हो गया, a बार प्लस बी प्लस सी, अगेन डॉट हो गया, फिर a प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, अब y ड्यूएल का होल ड्यूएल करेंगे तो ये y हो जाएगा। एवरी एक्सप्रेशन फॉलोज दिस प्रॉपर्टी, राइट अब आता है आपके पास एक पॉइंट आता है सेल्फ ड्यूएल। क्या आता है? सेल्फ ड्यूएल। सेल्फ ड्यूएल में क्या है, आउट ऑफ ऑल 2 टू द पावर 2n एक्सप्रेशंस, सम एक्सप्रेशंस आर ऑफ सेल्फ ड्यूएल नेचर, सम एक्सप्रेशंस आर ऑफ सेल्फ ड्यूएल नेचर। लेट y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ओके, देन इसका ड्यूएल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी, राइट। यानी कि अब आप इसमें देखिए बी प्लस ए सी एंड ए प्लस सी, तो वाई ऑफ ड्यूएल क्या हो गया, वाई ऑफ ड्यूएल हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब इसका हमने ड्यूएल निकाला है तो डॉट को प्लस में और प्लस को डॉट में हमने चेंज कर दिया है, फिर हमने बी कॉमन था तो बी प्लस ए सी लिख दिया, तो ये ए प्लस बी, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है इन दोनों में एंड ए प्लस सी हो गया, तो ये वाई ऑफ ड्यूएल था। ठीक है, अभी क्या है, ठीक है, अभी क्या है कि लेट मान लीजिए ये जो ये इसके इक्वल है, ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू a बार b बार प्लस b बार c बार प्लस a बार c बार, तो अब इसका हमें ड्यूएल निकालना है, तो कैसे ड्यूएल निकलेगा बताइए, y ऑफ ड्यूएल इज इक्वल टू a बार प्लस b बार डॉट b बार प्लस c बार डॉट a बार प्लस c बार, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बार प्लस a बार c बार एंड a बार प्लस c बार, तो ये y ऑफ ड्यूएल क्या हो जाएगा, a बार प्लस a बार b बार प्लस b बार c बार प्लस b बार c बार एंड सॉरी a a बार c बार इज इक्वल टू y। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ 2 टू द पावर 2n एक्सप्रेशंस, आउट ऑफ 2 टू द पावर 2n एक्सप्रेशंस, ओके, 2 टू द पावर 2 to the power n minus 1 expressions are self-dual. Okay, now with n variables, maximum possible self-dual is equal to 2 to the power 2 to the power n minus 1. मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ ड्यूएल एक्सप्रेशंस, ओके, ये होता है। अब आप इसमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ, नोट फॉर एन इज इक्वल टू वन, नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूएल्स आर 2 टू द पावर 2, एन माइनस 1 था ना, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2, 1 माइनस 1, 2 टू द पावर 2, 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू। अब आप देखो जीरो है इसका वन, वन है इसका जीरो, ए है तो इसका ए, ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका ए, तो ये दोनों क्या है, इसके सेल्फ ड्यूएल्स हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ ड्यूएल्स। सिंस वी डोंट चेंज द वेरिएबल्स, हेंस ए इज इक्वल टू ए, ए बार इज इक्वल टू ए। ठीक है, कुछ सेल्फ ड्यूएल्स भी होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन सेल्फ ड्यूएल नेचर के होते हैं। अब इसमें आप नोट देखिए, जैसे एंड है इसका ड्यूएल और हो गया, और है इसका एंड हो गया, नैंड है तो इसका नॉर हो गया, एक्सोर है इसका एक्स नॉर हो गया, ठीक है, नॉट है
तो इसका नॉट हो गया, बफर है तो इसका बफर, ठीक है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है, जैसे ए बी आर टू इनपुट 0 0 0 1 1 0 1, ओके ये y है, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 का 0 0 का 1। फॉर राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्स वी ओनली टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट, ठीक है। नाउ प्रोसीजर टू राइट कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है कि डॉट को प्लस में चेंज करना है, 0 को 1 में चेंज करना है, ओनली इन द आउटपुट, ओनली इन आउटपुट, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, तो हमसे पूछा है y कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो y कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, डॉट को प्लस में चेंज करना है, a बार प्लस b बार प्लस c बार, ओके डॉट a प्लस b बार प्लस c बार डॉट a बार प्लस b बार प्लस c इज इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट। अब इसका जब डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये y ही आए, ओके। अब जैसे आपके पास मान लीजिए ये एंड गेट है, ए इट बी आर टू इनपुट्स, ये क्या है आपका एंड गेट है, ठीक है। इसका जब हम ड्यूएल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से होगा ए बी और यहाँ पे ये और हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर हम इसका, जैसे ये है ए इनपुट बी इनपुट, ये एंड है राइट, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका क्या हो जाएगा, आप देखिए ए और बी केवल यहाँ नैंड में, केवल आउटपुट में, देखिए ड्यूएल ले रहे थे तो इनपुट में भी आपने कुछ चेंजेस करे, लेकिन जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते तो सिर्फ यहाँ आउटपुट में चेंज आए, राइट। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन है थोड़ा सा बता देती हूँ, ये क्वेश्चन है जैसे अ सर्किट हैज थ्री इनपुट्स, अ सर्किट हैज थ्री इनपुट्स ए बी सी एंड आउटपुट वाई इज लॉजिक वन, देन मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर एट लॉजिक वन, द मिनिमाइज्ड आउटपुट फॉर द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट y इज, अ सर्किट हैज थ्री इनपुट्स ए बी सी एंड आउटपुट y इज 1, ठीक है। एंड इसने बोला है व्हेन मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर एट लॉजिक 1, मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स लॉजिक 1 में, तो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए हम इसमें सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्वेश्चन था आपका, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, राइट। तो y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होता है थ्री वेरिएबल मेजॉरिटी फंक्शन, राइट डाउन, इसको बोलते हैं थ्री वेरिएबल मेजॉरिटी फंक्शन। इसने क्या बोला है, व्हेन मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर एट लॉजिक वन, तो ये थ्री वेरिएबल मेजॉरिटी फंक्शन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट। अब आप इसमें देखिए, हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाया, ए बी सी आर द थ्री इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट, ए बी सी आर थ्री इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आप देखिए इसने क्या बोला है कि आउटपुट इज लॉजिक वन, मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर एट लॉजिक वन, मतलब जब ये तीनों वन थे तो ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, यहाँ पे ये जीरो है क्योंकि एक ही वन है, यहाँ पे ये वन हो गया, अगेन ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो, इट मीन्स वॉट, ये क्या है, नंबरिंग अगर हम करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसमें जब आउटपुट निकालेंगे तो y इज इक्वल टू समेशन n, थ्री कहाँ कहाँ आउटपुट वन आ रहा है, 3 5 6 7 में आ रहा है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं
ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर बी सी कॉमन ले लिया हमने, फिर इधर ए सी एंड प्लस ए बी, ए सी एंड प्लस ए बी, ओके। यानी कि जब आपने इसको देखिए ना, इधर ए बार इसको आपने लिखा ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, तो यहाँ पे बी सी कॉमन लिया हमने तो ए प्लस ए बार तो कॉमन हो गया। अब ए सी एंड यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकते थे, तो इसने क्या करा है कि इसको इस फॉर्म में लिखा है ए सी प्लस ए बी, या आपको एक जिस जैसे लिखा है इसने, ठीक है, इसने इसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब जब हम इसका वो लेंगे वाई थ्री वेरिएबल, अब जो थ्री वेरिएबल माइनॉरिटी फंक्शन होता है, थ्री वेरिएबल माइनॉरिटी फंक्शन वो होता है ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार, ठीक है। आप इसको एग्जाम में देखिए ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे भी छोड़ सकते हैं बी सी, जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा है ना इधर, इस फॉर्म को आपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू जैसे बी सी था ए बार प्लस ए प्लस ए कॉमन लेके बी बार सी प्लस बी सी बार, यही लिखा आपने यहाँ पे, फिर ये हो गया बी सी ए प्लस ए बार तो वन हो गया प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी बार, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपने दिखाया है ए सी एंड प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, ये आप देखना मैंने आपको पिछले उसमें प्रॉपर्टीज लिखवाई वो कैसे हो, ठीक है। ये मिनिमाइज आउटपुट था इसका फॉर आउटपुट वाई, ठीक है, इसको ये इस फॉर्म में लिखना, ओके। अब जैसे मान लीजिए मुझे आपको एक एक्सप्रेशन आपको दिया है कि y इज इक्वल टू ए सी प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार, हमें इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ए सी कॉमन लिया तो 1 प्लस बी हो गया, फिर बी बार सी बार कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बार, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये ए सी डॉट 1 प्लस बी बार सी बार डॉट 1, मतलब ये ए सी प्लस बी बार सी बार, ये इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, मान लीजिए जैसे कि लॉजिक गेट्स के बारे में बताना है मुझे, लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक है। लॉजिक गेट्स के बारे में अगर बताना है तो जैसे आपका ये नॉट गेट होता है ये, ठीक है, ये जो है आपका ये ए है तो ये y इज इक्वल टू ए है, जैसे ये ए बार ही होगा, ठीक है। तो हम इसका सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, प्लस माइनस 5 वोल्ट है इधर, यहाँ पे आपने एक स्विच लगाया विच इज ओपन एंड ये ए है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा, ठीक है। हम जब इसका सर्किट बनाते हैं यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा इनपुट में, ए, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए बार, ये ट्रांजिस्टर पी वन है, ठीक है, ये हो गया, ओके ओके। तो यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल होती है क्या होता है, ए अगर जीरो है तो ये वन है, ये वन है तो ये जीरो। अब मान लीजिए मैं एनालिसिस करनी है, जैसे एनालिसिस कैसे करेंगे, वी हैव टू डू एनालिसिस, जैसे ये इनपुट है ये ए है, यहाँ ये पॉइंट तीनों है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये वन है। अब हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट के केस में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा टी नॉट, मतलब ये पॉइंट वन हो गया, तो ये टी नैनो सेकेंड्स है और ये भी टी नैनो सेकेंड्स है, मतलब ये आइडियली एक इन्वर्टर है आपका, यू हैव एन इन्वर्टर, ये आइडियल है वेयर देर इज नो डिले, तो इसका इनपुट आउटपुट ऐसे बन गया। अब मान लीजिए, अब अगर मान लीजिए कि नाउ यू हैव एन इन्वर्टर और इसमें ये इनपुट ए है एंड वाई इज इक्वल टू ए बार, तो इसमें जो प्रोपेगेशन डिले है वो 1 नैनो सेकंड्स का है, अब कैसे बनेगा, अब आप देखिए ये 0 था तो यहाँ पे ये 1 था, तो ये जो हो गया आपका ये T नॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे
ये जो वैल्यू होगी इधर इधर ये 1 है और इधर ये टी नॉट है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 0 है, ठीक है, मतलब ये आपने आफ्टर डिले किया है, ये टी नॉट था, ये 0 था, ठीक है, ये टी नैनो सेकेंड्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आफ्टर टी नॉट प्लस 1, मतलब इसने बोला है कि टी नॉट इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड्स का डिले है, तो ये टी नॉट प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे ये टी नैनो सेकेंड्स है, यहाँ पे ये एक्स ऑफ टी माइनस 1। यहाँ पे ये क्या है, फॉर ड्रॉइंग द वेव फॉर्म व्हेन द गेट हैज सम डिले, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द आइडियल वेव फॉर्म विदाउट एनी डिले। पहले तो आपको एक आइडियल वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है विदाउट एनी डिले, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द आइडियल वेव फॉर्म विदाउट डिले, एंड देन सिंस डिले इज प्रेजेंट द वेव फॉर्म विल बी शिफ्टेड इन राइट साइड। तो वेव फॉर्म को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट वेव फॉर्म इन राइट साइड, राइट। सेकेंड है, मान लीजिए यू हैव टू इन्वर्टर्स, ओके। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ आपको, जैसे आपके पास टू इन्वर्टर्स है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे टीपीडी जो है 1 नैनो सेकेंड्स का है, और यहाँ भी टीपीडी इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड्स का, तो ये ए है, ये ए बार है, एंड वाई इज इक्वल टू ए, यही आएगा। अब हम आइडियली क्या करेंगे, वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे विदाउट एनी डिले। तो ये 0 था, इधर ये 0 था, ठीक है, इधर 0 था बिल्कुल, फिर यहाँ पे ये 1 हुआ और फिर ये 1 हो गया एट टी नॉट नैनो सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दोबारा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मतलब ये टी नॉट था, ये टी नॉट प्लस 1 था, ये टी नॉट प्लस 2 था, और फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, t नैनो सेकंड्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन इधर, अगेन t नॉट प्लस 1, टी नॉट प्लस 2, यहाँ पे हमने थोड़ा शिफ्ट किया इसको, फिर ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको जो था वेव फॉर्म को कैसे किया है, टू डिलेज है ना इसमें, ये तो आउटपुट ऑब्टेन्ड, आउटपुट ऑब्टेन्ड सेम एज इनपुट डिलेड बाय 2 नैनो सेकंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 नैनो सेकंड्स, ओके, ये समझ में आया। आपने क्या किया, इसको दो बार डिले कर दिया, एक बार तो ये टी नॉट था तो यहाँ शिफ्ट किया टी नॉट प्लस 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे t नॉट प्लस 2 पे दिया, आउटपुट ऑब्टेन्ड सेम एज इनपुट। जब ये आउटपुट देखो ना, आप यहाँ 0 रखोगे जैसे, आउटपुट कैसे सेम आएगा, मान लीजिए यहाँ 0 था तो ये 1 हो गया, ये 1 इधर गया, फिर ये 0 हो गया, मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो आफ्टर टू डिलेज आउटपुट इनपुट के इक्वल हो गया ना, ये इनपुट के इक्वल हो गया ना, पहले यहाँ शिफ्टिंग की, फिर यहाँ से आउटपुट ऑब्टेन्ड सेम एज इनपुट डिलेड बाय 2 नैनो सेकंड्स। When the input is removed, there will be no output. अगर input को आप हटा दोगे, वहाँ पे कोई भी output नहीं है, ठीक है? अब इतना समझ में आया? अब एक और last चीज बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि inverters हैं आपके, ठीक है? यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ 1 है। अब इधर देखिए, यहाँ पे ये है static RAM representation, ठीक है? ये इसको हम बोलते हैं by stable मल्टी वाइब्रेटर, इसको हम बोलते हैं बेसिक मेमोरी सर्किट, बेसिक मेमोरी सर्किट। इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स गिव्स बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये क्या है, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स है, जो इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स होते हैं, दे गिव बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। ओपन सर्किट एट स्टार्टिंग पॉइंट एंड अप्लाई 1 एंड देन क्लोज द सर्किट, द सर्किट कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड 1। पहले आपको क्या करना है, पहले तो आप इसमें 1 लगाओगे, फिर इसको सर्किट को क्लोज करोगे, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन 0। तो आज मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं, ये ज़रूर करिएगा, नेक्स्ट टाइम इसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे, ड्यूअल बताया है मैंने, अच्छा लग रहा है तो इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ओके।
ओके थैंक यू, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके इसको जो है हम थैंक यू कहना भूल रही हूँ शायद, जो है हमारा थैंक यू वेरी मच।